अभी हम लोगों के साथ जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी है। हमने एक कैमरा का बैग लाए थे और यहाँ पे जो है गेट है जहाँ से एंट्री होती है, तो यहाँ पे जो है बैग अलाउ नहीं कर रहे। और पीछे अगर आप देखोगे ना भाई, बहुत लंबी लाइन है। कम से कम समझ जाओ कि एक आध किलोमीटर हमको और पीछे जाना पड़ेगा ये खाली बैग रखने के लिए। और इन लोगों ने कुछ भी कहीं पर बोर्ड नहीं लगाया कि भैया बैग अलाउ नहीं है, कैमरा अलाउ नहीं है। और अभी जब पहुँचे तब भैया ऐसा पता चल रहा है। कैसे हो सब? मस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद। वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज हमारा उज्जैन के अंदर जो है डे 4 है, और आज हमारा यहाँ पे मतलब मन है कि हम लोग आज यहाँ का जो मेन मंदिर है वहाँ पे घूमने के लिए जाएंगे। और अभी करंट टाइम जो लगभग 10 हो रहा है, मैं भी सोया था अभी जस्ट उठा, ये भी अभी तक के स्वच्छ है। और जो हमारे दो टीममेट थे वो जो है अपने पाप धोने के लिए गए हैं स्नान करने के लिए नदी में। नदी नहीं, पता नहीं, मैं आपको बताऊँ, घाट है। मैं अगर आपने इसके पहले वाला व्लॉग देखा होगा तो आपने वाला घाट देखा होगा, तो उसी घाट पे वो लोग गए हैं क्योंकि वो लोग बहुत पापी है ना, तो अपने पाप धोने के लिए गए हैं। आज जो है संडे, और संडे के दिन भाई भीड़ देखो यार, कितनी ज़्यादा भीड़ है। और हम लोग वैसे 12 के बाद ही आ रहे, तो अगर बाय चांस कभी आप घूमने के लिए आओ तो अवॉइड करना। लगभग सुबह के 8 बजे के आसपास ही निकल जाओगे ना तो कम भीड़ में आपके बढ़िया दर्शन हो जाएंगे। ये छोटे से बच्चे को टीका लगा क्या था? कितने साल का है भाई तू? 6 साल का है। कब से बना रहा है टीका ये? ओ भाई, कब से लगा रहा है टीका? कितना टाइम हो गया? अच्छा, नहीं कितने साल से लगा रहा है? 6 साल से। अच्छा, पैदा होते ही टीका लगाना चालू किया था क्या? होमेन भैया बाल सेट कर लो। हो लगाओ लगाओ। अच्छा गालो, हाँ लगा लो लगा लो, लगाओ गालो पे, लगाओ गालो पे, लगाओ। लो सबका रास्ता अंदर से करे, यहाँ की महाकाल की प्रसाद। और भाई यहाँ पे बहुत तगड़ी लाइन है, पूरा घूम फिर के आता के पहुँचे। और वो रहे वहाँ के मंदिर, काफ़ी सारे मंदिर है वहाँ पे जाने वाले, टाइम बहुत लगेगा। अभी हम लोगों के साथ जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी है। हमने एक कैमरा का बैग लाए थे और यहाँ पे जो है गेट है जहाँ से एंट्री होती है, तो यहाँ पे जो है बैग अलाउ नहीं कर रहे। और पीछे अगर आप देखोगे ना भाई, बहुत लंबी लाइन है। कम से कम समझ जाओ कि एक आध किलोमीटर हमको और पीछे जाना पड़ेगा ये खाली बैग रखने के लिए। और इन लोगों ने कुछ भी कहीं पर बोर्ड नहीं लगाया कि भैया बैग अलाउ नहीं है, कैमरा अलाउ नहीं है। और अभी जब पहुँचे तब भैया ऐसा पता चल रहा है। तो अभी जो है हम यहाँ पे बाहर आके ये भैया के पास अपना कैमरा रख रहे। अच्छा, कॉन्टेक्ट नंबर भी है क्या? नहीं भैया, हमारे को कैमरा अलाउ नहीं बोले। हमसे थोड़ा भी अंदर रख दो उसको, सेफ्टी में आराम से। लेंस वेंस भैया फेंके फूके मत। हाँ चलो ठीक है। दर्शन करके हमारा हो गया भाई साहब, बहुत ज़्यादा तगड़ी लंबी लाइन थी। और अभी अपन चलते हैं बाहर, कुछ खाते हैं। जो है बहुत तगड़ी वाली भूख लगी है, तो यहाँ पे हम लोग एक नए वाले होटल में खाना खाने के लिए आए, जहाँ पे रोटी है, चावल है और 2-3 सब्जी है। अभी अभी जस्ट जो है हम लोग होटल से खाना खाने के आए हैं,
उसके पहले हम लोग जो है दर्शन करने के लिए गए थे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप लोग बाई चांस उज्जैन आ रहे हैं और अगर आप लोगों को दर्शन करने अच्छे से, तो भाई मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप जो है सुबह 7 बजे के आसपास निकलोगे तो आपका काम काफ़ी जल्दी होगा। हम लोग जो है लगभग 12 के बाद गए थे और 1 से 1.5 घंटा जो है ना खाली हमको वहाँ तक पहुँचने के लिए लग गया। और इसलिए गाइस अगर आप लोग कभी भी आओ तो ट्राई करना कि मॉर्निंग में ही निकलो, तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। A few moments later. अभी हम लोग जो है सोए थे आराम से, अभी जस्ट होके उठे, टाइम हो रहा लगभग 8, और अभी अपन चलते बाहर शॉपिंग वॉपिंग करते और लगे हाथ वहाँ पे एक होटल में खाना वाना भी खा लेंगे। और कल जो है हमारी मॉर्निंग 4-4:30 बजे की, मतलब शाम को 4:30-6 बजे की ट्रेन है, उसके बाद सीधा गोंदिया। हम लोगों ने अभी शॉपिंग कर लिए और घर के लिए भी ले लिया, और मैंने मम्मी के लिए बैग और ये देखो यहाँ पे कुछ तो कांवड़ यात्रा जा रही है, चलते हैं, पब्लिक बहुत ज़्यादा। ये देखो ये आखिरी कांवड़ यात्रा जा रही है कुछ लोगों की, ये हमारे स्केलेटन कंकाल और वहाँ पे शिव जी की पिंडी और ये शायद गणेश जी। जो है अभी एक नई जगह पे खाना खाने के लिए आया, मैंने तो ऑलरेडी खा चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे स्पेशली खाली ठंडा वंडा पीऊँगा, आइसक्रीम आइसक्रीम खाऊँगा, बाकी ये सब जो है जो कुछ लगेगा खा लेंगे। और कल हमारा जो है वापस घर जाने का प्रोग्राम है, शाम को 5-6 बजे की ट्रेन है। तो इनका पेट गड़बड़ है, इन्होंने सादी खिचड़ी मंगाई है, ये वेज बिरयानी, ये भी वेज बिरयानी। अभी जो है जस्ट हम लोग आए हैं खाना खा के, बहुत तगड़ी वाली नींद आ रही है, अब सोते हैं, मिलते हैं कल। और अगर आपको इस व्लॉग में मजा आया होगा तो लाइक कर दो, और चैनल पर अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर दो।